अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट राबेल शेख और आप देख रहे हैं दी ऑर्चर्ड स्कूल। जीतेगा पाकिस्तान एसबीएल पीएसएल 5 पावर्ड बाय मेडिकम। कल हुआ था मैच कोयटा का और कल हमारा मैच था लाहौर का और पेशावर का, और अनएक्सपेक्टली कराची जो है वो फाइनल में आ गया है। कराची का मैच था मुल्तान के साथ, तो कराची कैसे आ गया? कोई उम्मीद नहीं दी कराची आएगा? आप देखें, मुल्तान और कराची का जो मैच हुआ है वो कल थोड़ा सा पिच जो है वो थोड़ा अजीब सा खेला है। वो बैट पे इतना अच्छा बॉल नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से अर्ली ऑन पावर प्ले में रन नहीं बने मुल्तान से, और टारगेट कुछ ऐसा बड़ा नहीं था 142, लेकिन बड़ा अच्छी बॉलिंग। लेकिन मुल्तान शुरू से तो बहुत अच्छा खेलता आ रहा था, तो लास्ट टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम थी, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है लास्ट जो कल मैच हुआ उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। आई थिंक पिच जो था वो T20 को सूटेबल नहीं था, बैट पे बॉल नहीं इतना अच्छा आ रहा था, जिसकी वजह से रन्स जो है वो बने नहीं है। सर्कल में आई थिंक रन्स जो थे वो कम थे और विकेट्स भी गिरी हैं, जिसकी वजह से बड़ा टारगेट नहीं पहुंच कर पाए। तो ये क्या पिच का इशू था या क्या मसला था? आई थिंक जो कंडीशन थी वो ड्राई थी थोड़ी सी ना, पिच की जो कंडीशन थी वो थोड़ी ड्राई थी और बैट पे इतना अच्छा बॉल नहीं आ रहा था, स्पिनर्स का बॉल। लेकिन कराची के लिए तो वो फिर अच्छा क्या है? अब कराची डेफिनेटली वो उनके हक में हुआ है, लेकिन कराची ने इतना अच्छा चेज नहीं किया। वो आखिरी ओवर में जाके मैच टाई हुआ और फिर सुपर ओवर हुआ, उसके अंदर भी जो है वो मुल्तान सुल्तान जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई उस मैच में। और जो दूसरा मैच था हमारा लाहौर और पेशावर का मैच भी अच्छा देखने को मिला है। आई थिंक जो यहाँ पर पेशावर ने जो टोटल पोस्ट किया था 170, आई थिंक वो लाहौर कलंदर्स के जो बैट्समैन आई थिंक मोहम्मद हफीज ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, और मोहम्मद हफीज ने मैच को वन साइड किया, अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज किया, क्योंकि सब कह रहे हैं एज का है फैक्टर है, 40 साल एज हो गई है मोहम्मद हफीज की, लेकिन उन्होंने शो किया कि एज मैटर नहीं करती, और उन्होंने जिस तरह बैटिंग किया, चाहे T20 फॉर्मेट हो या वनडे हो या टेस्ट क्रिकेट हो, आपको विकेट के ऊपर आके टाइम लेना पड़ता है, और जिस तरह की कल कंडीशन थी मोहम्मद हफीज ने आके विकेट पर टाइम लिया, और उसके बाद जो था वो बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है उन्होंने, चारों तरफ शॉट्स खेले और टाइमिंग भी बड़ी भरपूर थी मोहम्मद हफीज। लाहौर और कराची दोनों था कि अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन दोनों आपको क्या लगता है फाइनल में कौन आएगा? देखिए कराची तो फाइनल में थ्रू कर चुकी है, और आज जो एलिमिनेटर है टू है लाहौर और पेशावर उसका मुल्तान का, वो भी एक मुझे उम्मीद है अच्छा मैच होगा, और लाहौर जो है आई थिंक फेवरेट है। लेकिन मुल्तान के लिए तो वैसे पिच जो है वो उसको फेवर नहीं करी, तो मुश्किल नहीं है कि मुल्तान जो है वो उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, मुल्तान के पास अगर वो अपने आप को कंट्रोल में रखें, मेच्योर मैनेजमेंट है वो मुल्तान के पास, और मुझे उम्मीद है आज मुल्तान जो है वो टफ टाइम देगी लाहौर को। टफ टाइम आपको नहीं लगता कि लाहौर की टीम को जीतना चाहिए? क्योंकि लाहौर की टीम की बेस्ट बात ये है कि नए प्लेयर्स को ये मौका दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है? जी हाँ, लाहौर जो है हमेशा से ही अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म देती रही है यंगस्टर्स को, और प्रोड्यूस किए यंगस्टर्स, अभी भी उनकी टीम में और उनके स्क्वाड में 3 ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि जो उनकी अपने प्लेयर डेवलपमेंट के थ्रू आए हैं, दिलबर फरजान, और ये काफी अच्छे यंगस्टर्स हैं, जो कि शाहीन साहब आपको बताया लास्ट ईयर जो पीएसएल हुई थी उसके थ्रू वो अब उनकी जो परफॉर्मेंस है और डबल हो गई है अब पहले से, और लाहौर जो है हमेशा से अच्छा काम करती आई है, और इसीलिए लोग जो है एक्साइटेड होते हैं लाहौर को देखने के लिए, और जो उनका मैच होता है चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो बूढ़ा हो, हर बंदा उसका मैच देखना चाह रहा होता है, तो इस बार लाहौर को जीत जाना चाहिए, उम्मीद यही करते हैं। अच्छा, आप कराची के हैं तो आप लाहौर को सपोर्ट करें? नहीं, ऐसा नहीं है, सपोर्ट जो है वो पूरी पीएसएल को कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा ही ब्रांड है और हमारे जो लोग हैं वो पीएसएल को पसंद करते हैं और क्रिकेट जो है देखना पसंद करते हैं, और जो पीएसएल हमारे पास वापस आई है, क्योंकि 8 महीने एक लंबा टाइम था, 8 महीने के बाद वापस आई है, आई थिंक क्रेडिट गोज टू पीसीबी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो कि क्रिकेट को वापस लेकर आई है एसओपीज के साथ बबल्स के अंदर, प्लेयर्स शहरे में, तो एक अच्छा जो एटमोसफेयर है दोबारा से प्रोवाइड किया गया प्लेयर्स को। अच्छा, तो मौसम पहले जो था लाइक जब मैच हो रहे थे तो मौसम कुछ और था, अभी कुछ हो रहा है, तो उसका कोई इफेक्ट पड़ता है? डेफिनेटली जो सर्दी जो है वो कराची में अब थोड़ी सी बढ़ गई है, और जो है सेकंड इनिंग में ड्यू का फैक्टर होता है, और वो जो है कप्तान और मैनेजमेंट के जो है माइंड में जरूर होगा ये चीजें, यानी कि टॉस पे भी मैच बहुत मैटर करता है। तो आगे और बताएं मैच के बारे में।
आप देखें लाहौर और जो मैच है इसका अभी जो नेक्स्ट मैच है वो देखें क्रूशल है, एलिमिनेटर टू है, विन करेंगे डायरेक्टली सेमीफाइनल की एक हैसियत रखता है और फाइनल में जाएंगे जो भी जीतेगा। मुझे ये बताएं कि जब लोग, क्योंकि आप खुद मैच खेलते रहे, जब लोग देखने नहीं आते तो वो एक अजीब सा इन्वायरमेंट नहीं हो जाता, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है कोरोना की वजह से, फर्स्ट टाइम इस तरह की चीज देखने को आई है। देखिए समटाइम ऐसा होता है कि प्लेयर्स के लिए जो है वो क्राउड ये दो तरह की साइकी है, आप इसको कह सकते हैं कि अगर प्लेयर्स जो है कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जब क्राउड को देखते हैं तो उनमें थोड़ा नर्वसनेस आती है, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो क्राउड से बूस्ट अप होते हैं और उनको मोटिवेशन मिलती है, क्राउड हमें चीयर अप कर रहा है। और आप सही कह रही हैं, बहुत टाइम बाद ऐसा कभी क्रिकेट में हुआ नहीं है कि बगैर क्राउड के मैच हो रहा हो। मुझे उम्मीद है कि प्लेयर्स वो इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होंगे। हाँ ये है कि आवाम जो है वो जरूर इस चीज को मिस कर रही है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है और हम देख नहीं पा रहे, लेकिन टीवी पे देखना पड़ेगा। हाँ टीवी पे। अच्छा ये स्क्रीन्स वगैरह भी भाई नहीं लग रही हैं और इस चीज पे भी, तो अब PSL हो रहा है लेकिन उस तरह नहीं हो रहा, आपको नहीं लगता है कि इनको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था? नहीं, आई थिंक 3 महीने रह गए नेक्स्ट PSL होने को और 3 महीने के लिए चैंपियन बनेगा जो भी बनेगा। अब इस पीरियड में आपको ये PSL करवानी थी और क्योंकि PCB की प्लानिंग में ये चीज़ें चल रही थी तो उनको ये कंटिन्यू करना था, क्योंकि आप पीछे से देखें तो पहले हमारा नेशनल T20 हुआ है उसमें बड़ी जो है PCB ने बड़ा अच्छा एटमोसफियर दिया प्लेयर्स को, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे का टूर हुआ, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमारा जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सीजन था वो स्टार्ट हुआ है, तो प्लानिंग काफ़ी अच्छी थी। ये मौका था PCB के पास और इंटरनेशनल लेवल पर ICC भी जो इस चीज़ को नोटिस कर रही थी और उसके मुताबिक क्रिकेट वापस आई है दोबारा, PSL को उसके मुताबिक लाया गया। लेकिन कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ लोगों पर, गलत इम्पैक्ट नहीं गया कि उधर आपको बुला नहीं रहे? अगर SOP के साथ ये सारी चीज़ें की जाए, मतलब बुलाया जाए लोगों को देखने के लिए, तो ये नहीं आई थिंक SOPs के तहत आप कितना कर सकते हैं, क्योंकि आवाम क्राउड जो है वो ज़्यादा आएगा और डेफिनेटली आपको डिस्टेंस मेंटेन करना मुश्किल हो लेकिन जाएगा। ये एक तरह से इकॉनमी में भी तो फर्क पड़ा था ना कि अच्छा ये सारी चीज़ें चल रही थी तो ये भी तो है, नुकसान तो हो रहा है, लेकिन बात यह है कि आपको अब क्रिकेट करवानी है, आप ना करवाने का नुकसान भी तो नहीं उठा सकते। और ये जो आपके जो फॉरेन क्रिकेटर्स आए हुए थे वो भी तो कुछ वापस गए हैं, तो इस पे भी नहीं, आई थिंक जो अभी जो स्क्वाड्स के अंदर तब्दीलियां हुई थी उसके मुताबिक तो जिन प्लेयर्स को बुलाया गया तमाम ही प्लेयर्स आए हैं। आई थिंक लाहौर के पास भी वापस आए हैं प्लेयर, तमीम इकबाल आया, बैन डंका आया, और उसके अलावा मुल्तान में देखे तो इमरान ताहिर, रॉयली रोसो, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं, तमाम ही प्लेयर्स वापस आए हैं। और मतलब जो टीम जो स्क्वाड जो बनाया गया था इस SOPs और जो सिचुएशन थी की उसके मुताबिक तमाम प्लेयर्स आए हैं टीम के साथ। तो अभी नेक्स्ट आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट होगा, क्योंकि फिर से कोरोना का स्टार्ट हो रहा है? आई थिंक ये तो अर्ली होने काफी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा सिचुएशन को, इनको नहीं चाहिए कि अभी ना करें जब तक सारे हालात सारी चीजें प्रॉपर नहीं हो सकती। देखिए सही है, सिचुएशन को देखना जरूरी है, सेहत का जो है मतलब ये डेफिनेटली हेल्थ मैटर है और जरूरी है, लेकिन कोशिश यही होगी कि PCB जो है जैसे अभी करवाया है अगर जरूरत पड़ी करवाने की तो नेक्स्ट टाइम लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना? आई थिंक लोगों का इंटरेस्ट अभी भी है क्योंकि टेलीविजन पर लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। मैं मतलब मेरा जितने लोगों से इंटरेक्शन हुआ है तमाम ही लोग वेट कर रहे थे PSL का, और कोशिश तमाम ही लोगों की थी कि चाहे अगर ना हो स्टेडियम में हम ना जा सकें लेकिन टेलीविजन पर हम देखें और मैच को एंजॉय करें, क्योंकि क्रिकेट होना जरूरी है, लोग प्यार करते हैं क्रिकेट से और एंजॉय करते हैं। ऐसे ही है। तो अभी आज के मैच के बारे में क्या बोलेंगे, क्या प्रेडिक्ट करते हैं? आई थिंक लाहौर जो है वो बेटर पोजीशन में है क्योंकि लास्ट जो मैच हुआ है वो लाहौर ने विन किया और उनका जो मोराल है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डेफिनेटली बूस्ट हुआ होगा। और जो है अगर देखें थोड़ी सी स्ट्रेटजीज को चेंज करना होगा लाहौर को, क्योंकि लाहौर जो है लास्ट टाइम आप वन डायमेंशनल नहीं खेल सकते, क्योंकि जो बैटिंग देखी अगर लाहौर कलंदर की उसमें जितने भी प्लेयर्स थे वो वन डायमेंशनल खेल रहे थे, फखर जमान, तमीम इकबाल और सोहेल अख्तर। आई थिंक मोहम्मद हफीज़ को थोड़ा ऊपर लाना पड़ेगा, आपको मोहम्मद हफीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं लाहौर के लिए। लेकिन औरों को भी तो चांस देना चाहिए ना, मतलब अभी आई थिंक उनकी टीम में पहले से ही इतना चांस मिल रहा है प्लेयर्स को, और उनकी जो बैटिंग लाइनअप है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, बैटिंग लाइनअप के मुताबिक आपको थोड़ी से मेच्योर प्लेयर्स को जो कि अपनी इनिंग्स को डेवलप करते हो, क्योंकि कंडीशन जो है वो इतनी सूटेबल नहीं है अब तक बैट्समैनों के लिए।
लेकिन लाहौर का सबसे बड़ा मसला है ना कि हमेशा फाइनल तक आके रह जाते हैं, तो इसका क्या लक नहीं चलती है, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्या मसला है? आई थिंक पहले तो एलिमिनेटर और क्वालिफाइड तक ही नहीं पहुंच रही थी, इस दफा काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही लाहौर की और एलिमिनेटर और फिर इस तरह सेमीफाइनल, ये सेमीफाइनल की हैसियत रखता है ये नेक्स्ट मैच जो है, और ये बड़ी बात है लाहौर के लिए क्योंकि पिछले जो जितने भी सीजन गुजरे हैं कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी लाहौर की, और जिस तरह अभी उनकी परफॉर्मेंस चल रही है हम, मुझे ऐसा लग रहा है कराची और लाहौर का फाइनल होने वाला है। तो आज लाहौर आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर होगा? नहीं, आई थिंक लाहौर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, मुल्तान के ऊपर जरूर प्रेशर होगा क्योंकि लास्ट मैच उन्होंने लॉस किया। अच्छा, लेकिन फाइनल तो इन दोनों में से होगा ना कि आगे किसने आना है, फाइनल किसने खेलना है, तो प्रेशर में तो दोनों टीम भी होंगी। बड़ा मैच है, प्रेशर जरूर होता है, लेकिन ये है कि यही क्वालिटी है प्लेयर्स की, यही क्वालिटी है तमाम क्रिकेटर्स की जो प्रेशर को हैंडल करें और उस प्रेशर में से निकल कर एक अच्छी परफॉर्मेंस आपके सामने लाएं। चले हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देख रहे हैं दी ऑर्चिड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान, एचबीएल पीएसएल 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान, एचबीएल पीएसएल 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेजबान राबेल शेख जी, और राबेल ने हमें एक बड़े गैप के बाद ज्वाइन किया, यानी कोरोना का ये जो एक लंबा गैप आया और उसके बाद फिर से हमने इस प्रोग्राम के जो बाकी मैचेस रह गए थे इस प्रोग्राम के हवाले से, वो हम उन मैचेस के हवाले से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और आज आप राबेल को भी तकरीबन कोई आप 8-9 मंथ्स के बाद ऑलमोस्ट जो है वो हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाज़रीन आपको बताते चलें, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेटर हैं, ट्रेनर हैं, एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं असदुल्ला साहब। असदुल्ला साहब आपको मैं सलाम करता हूँ, मैं अभी मैंने ज्वाइन किया, और इसके अलावा हम ऑनलाइन भी लेंगे साजिद खान साहब को, लेजेंड क्रिकेटर हैं, उनसे भी बात करेंगे। असद साहब पहले मुझे ये बताइएगा कि क्या समझते हैं आज के जो मैच है उसकी फेवरेट टीम कौन सी है? मैंने पहले भी मेंशन किया लाहौर को मैं आज फेवरेट कहूँगा क्योंकि लाहौर ने जिस तरह लास्ट मैच खेला है और उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, और मुल्तान सुल्तान को देखें तो उन्होंने जो लास्ट टाइम मैच खेला है उसमें उन्होंने जो जिस तरह बैटिंग किया, आई थिंक लाहौर की बैटिंग मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जिस तरह लास्ट बैटिंग में मुल्तान सुल्तान ने जो शो किया उसके मुताबिक लाहौर जो है मुझे काफ़ी फेवरेट दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं कुछ चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना होगा लाहौर को क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो जो मेरी नज़र में जो तीन ओपनर्स और वन डाउन प्लेयर्स आए थे वो एक ही तरह शॉट्स खेले जा रहे थे, और कोशिश यही करनी होगी कि मोहम्मद हफीज को ऊपर लाया जाए, और जिस तरह बेन डंग को रोका हुआ था लास्ट टाइम स्पिनर्स के लिए स्पिनर्स की वजह से, और मेरे ख्याल में बेन डंग को रोकने के बजाय आप ऊपर लाएं और उनसे जो है शॉट्स खेले जाएं क्योंकि वो ऐसे प्लेयर हैं वन साइडेड कर सकते हैं मैच को। असद आप ये नहीं समझते कि कल वाला मैच लाहौर का जो था वो दरअसल बस आखिरी तीन ओवर्स में चेंज हुआ, अदरवाइज मैच तकरीबन लाहौर के हाथ से निकल गया था? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मोहम्मद हफीज ने वो मैच मुकम्मल तौर पर चेंज किया। आप चाहे T20 खेल रहे हो, वनडे खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, आप जब तक सेट नहीं होंगे क्रीज पर उस वक्त तक आप शॉट्स नहीं खेल सकते, और मोहम्मद हफीज ने बिल्कुल वैसे अपने एक्सपीरियंस को शो किया, और मेरे ख्याल में उन्होंने टाइम लिया पहले आकर, उसके बाद जिस तरह शॉट्स खेली वो ईजी हो गया था, कंडीशन इतनी अच्छी सूटेबल नहीं थी बैटिंग के लिए, लेकिन बाय द टाइम उन्होंने अपनी शॉट्स खेलना स्टार्ट किया और आखिरी लास्ट तीन ओवर में उन्होंने मैच वन साइडेड कर दिया। कुछ ड्यू फैक्टर भी था जिसकी वजह से गेंद जो है ना वो बल्ले पे आने लग गई और स्लिप होने लग गई, जिसकी वजह से फील्डिंग साइड को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, तो क्या समझते हैं कि अब मौसम कभी हाथ नहीं था कल लाहौर की जीत में? सर्दी चेंज हो, मौसम चेंज हुआ है, कराची में भी सर्दी बढ़ गई है, टॉस जो है वो क्रूशल होता जा रहा है अब जैसे जैसे मैचेस, अभी दो मैचेस बाकी हैं आज का और कल का फाइनल, नेक्स्ट फाइनल जो है, तो टॉस क्रूशल है और ड्यू फैक्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मैच के ऊपर। यानी इसका मतलब ये है कि बाद की बैटिंग जो है वो इजी रहेगी, 8 बजे के मैच में जो है वो फिर बाद में बैटिंग करने वाली टीम को जो है वो मुश्किल फेस होगी। नहीं सर, लेकिन कल तो बाद में बैटिंग करने वाली टीम ही जीती है ना, वो ऐसा बैटिंग के लिए आसानी होगी, बैटिंग बॉलर्स के लिए थोड़ी सी है वो मुश्किल, बॉलर्स और फील्डर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। ठीक है राबेल, आप क्या कहती हैं, मैच लाहौर ने जीत लिया, कराची ने जीत लिया, और अब आज का अगर जो मैच है वो लाहौर कलंदर जीत जाते हैं तो फिर फाइनल जो है मंगल को कराची में वो शायद मोस्ट प्रोबेबली अगर लाहौर जीत गई तो फिर लाहौर और कराची किंग्स के दरमियान होगा। मैं तो अभी भी लाहौर को फेवर कर रही हूँ, और बड़ी अजीब बात है अभी तो लाहौर के पास दो हर्डल्स हैं, एक जो मैच है वो आज रात वाला जीतना है और उसके बाद फिर एक फाइनल है। अभी हमारी इसी बारे में बात हो रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि
इस दफा लाहौर ने इतना किया है तो आगे आप मेरिट पे लाहौर को फेवर कर रही हैं या आप लाहौर से बिलोंग करती हैं इसलिए आप नहीं, मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूं। ऐसी बात है, हमारा जो शो है वो भी लाहौर वालों ने स्पॉन्सर किया है तो हमें लाहौर को करना, लेकिन मतलब वैसे देखा जाए तो मुझे एक बात ही बताएं कि इस दफ़ा ओवरऑल देखिए स्टार स्टडेड टीम तो लाहौर की हमेशा से रही है लेकिन बदकिस्मती से कभी फाइनल तक नहीं पहुंच पाई है। क्या समझते हैं इस दफ़ा क्या चीज़ लाहौर की टीम में बेहतर है जो उसे इस स्टेज तक लेके आई है? आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लाहौर है हमेशा से स्टार्स के साथ होती है और अगर इस दफ़ा देखें तो उनकी अपनी प्लेयर डेवलपमेंट में से काफ़ी ऐसे प्लेयर्स थे जो बड़े ही अच्छे हाईली टैलेंटेड प्लेयर्स थे उनकी उनके स्क्वाड में और आई थिंक उन्होंने डिफेंस डाला है। यंगस्टर्स जो थे जैसे शाहीन शाह, फरजान राजा, दिलबर और इस तरह के यंगस्टर्स जब टीम में आए हैं तो टीम में एक जान आई है और आई थिंक क्रेडिट गोज टू ऑल दीज यंगस्टर्स क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा पूरी टीम को पूरे टूर्नामेंट में लेकर चले हैं और उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो सबकी शाहीन शाह टॉप मोस्ट विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट में अभी भी 13 विकेटों के साथ और लास्ट मैच में भी आई थिंक उन्होंने 2 या 3 आउट किए लास्ट मैच में भी तो यंगस्टर्स को क्रेडिट जाता है। आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही है इस टूर्नामेंट। हाइट मैटर करती है जिस तरह आपने वैसे मैंने पूछा जिस तरह इसकी शाहीन शाह फ्रीदी बहुत टॉल है तो ये चीज मैटर करती है? डेफिनेटली फास्ट बॉलिंग में हाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब आप इतने ऊपर से बॉल लाकर थ्रो करेंगे बैट्समैन को तो वो हाइट भी लेगी और जिस तरह हाइट है शाहीन शाह की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है शाहीन शाह के लिए भी और बॉलिंग के लिए भी। अच्छा मुझे बताइए कि क्या बॉलर्स लंबे लोग जो हैं वो फास्ट बॉलिंग में आ जाते हैं या बॉलिंग करने की वजह से लोग लंबे हो जाते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि लंबे। नेशनल क्रिकेटर तो बचपन से खेल रहा होता है ना, फिर वो 16-18 साल के बाद कोई क्रिकेटर नहीं बनता। क्रिकेटर की जो उम्र है 8 से 10 साल में एक बच्चे को पता लग जाता है कि हाँ वो अच्छा क्रिकेटर है, डेवलप हो रहा होता है। नेचुरल क्रिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं होता हाइट। अगर आप हाइट देखें तो मेलकम मार्शल की भी कोई हाइट नहीं थी, बिलावल भट्टी, बिलावल भट्टी एक फास्ट बॉलर आए थे पाकिस्तान में, हाइट नहीं है। ऐसे कई फास्ट बॉलर्स हैं डोमेस्टिक सर्किट हमारे पास और इंटरनेशनल सर्किट में भी जिनके पास हाइट नहीं थी लेकिन बहुत क्विक थे वो, और क्योंकि जिनकी हाइट नहीं होती वो थोड़े स्किटी होते हैं और उनका बॉल जो है वो लो रहता है लेकिन वो उनकी जो जिप होती है ना विकेट से जो उनको जिप मिलता है वो काफी वो इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। तो हाइट ज्यादा मैटर नहीं करती लेकिन जब हाइट हो तो वो एक एडवांटेज है आपके लिए, एक एडवांटेज रहता है। अच्छा क्या समझते हैं मुल्तान सुल्तान्स को किस तरह इम्प्रूव करने की जरूरत है अगर वो आज के मैच को टफ करें तो? मुल्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर कल का मैच देखे तो उन्होंने सर्कल्स में रन्स भी नहीं किए और विकेट्स भी गिरी हैं तो मुल्तान को आई थिंक स्ट्रेटेजी में थोड़ा चेंज लाना होगा। शान मसूद को ओपनर ओपन करना होगा, लास्ट मैच में वो नीचे आए हैं। अगर जिशान अशरफ जो कि थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं उनके साथ शान मसूद को भेजा जाए तो वो एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं 20 ओवर खेलने की। बॉलिंग तो अच्छी रही है मुल्तान सुल्तान्स की, कराची को बहुत टफ टाइम दिया, मैच टाई तक पहुंच गया, सुपर ओवर हुआ और मैं समझता हूं कि बस वो लास्ट का जो छक्का था उसने जिता दिया कराची की। बहुत मैच्योर बॉलिंग है मुल्तान के पास, स्पिनर्स क्वालिटी स्पिनर्स हैं उनके पास, इमरान ताहिर, शाहिद अफरीदी और लास्ट मैच में खुशदिल शाह ने भी बॉलिंग की है, उनकी बॉलिंग भी काफी मतलब अच्छी रही थी और मैच्योर मैनेजमेंट है उनका कॉम्बिनेशन जो है बॉलिंग लाइनअप में। अगर देखें मुश्ताक अहमद उनके पास है तो वो एक फैक्टर है क्योंकि स्पिनर्स जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। इमरान ताहिर ने विकेट लिए लास्ट में और एकदम हालांकि एक नए गेटअप के साथ आए कोरोना के बाद से। तो बहरहाल असद आपसे ही बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है राबिल, साजिद भाई को जरा खुश आमदीद कहें। अस्सलाम वालेकुम, आपको डॉक्टर बलन साहब को बहुत बहुत सलाम और नहायत ही उमदा एनालिस्ट मेरे दोस्त बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात हो रही है। मेरी गेम यकीनी तौर पर कली नेती तारा साहब बाजी लेगी और क्यों ना ली है, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम है फिल्म में देखा जाए। मेडी कैम्प की बड़ी सर्विस है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और क्रिकेट में जिस तरह डॉक्टर बलन साहब होस्टिंग कर रहे हैं, शॉर्ट फॉरवर्ड पाकिस्तान सुपर लीग डू एंड डाई सेमीफाइनल जो खेला जाएगा 5वां एडिशन की और नेशनल स्टेडियम में। साजिद भाई यहाँ एक बात बताना चाहूंगा व्यूवर्स को भी कि साजिद भाई ने प्रेडिक्शन कर दी थी मेरे जो हमारा दूसरा प्रोग्राम होता खबर की खबर, उसमें साजिद भाई ने पहले से एक तो पाकिस्तान टीम के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन के हवाले से इनकी प्रेडिक्शन थी जो बिल्कुल ठीक साबित हुई, दूसरे इन्होंने लाहौर कलंदर और कराची किंग्स की ये जो प्रेडिक्शन थी ये ठीक कर दी थी। अब ये साजिद भाई कारीगरों ने आपको सही बता दिया था या आपकी अपनी प्रेडिक्शन थी? हाँ
नहीं, डॉक्टर बाल साहब यकीनी तौर पर ये बहुत जरूरी होता है शॉर्ट फॉरवर्ड की क्रिकेट में, बहुत मुश्किल होता है पेशेंगोई करना, और पेशेंगोई जब आपकी मुकम्मल ना हो तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, मगर खुशी जब होती है कि आप पेशेंगोई करें और वो सही हो जाए तो बहुत ही आला गुफ्तगु, जैसे बड़े होस्ट डॉक्टर बलन इकबाल इस गुफ्तगु में अगर अपने प्रोग्राम में जिक्र करें तो बहुत खुशी होती है। अरे सर, मैं तो अभी भी तालिब इल्म हूँ, आप जैसे लेजेंड क्रिकेटर जब कोई पेशेंट गोई करते हैं ना तो फिर अक्सर यही होता है कि आपकी पेशेंट गोई की वजह से टीमें मैच जीत जाती हैं। हाँ, अच्छी बात यह थी डॉक्टर बलन इकबाल साहब, जो मेरा ताल्लुक वसीम अकरम से 84 से और अलहमदुल्ला में एक ही डिपार्टमेंट टीआई से खेलते हैं जितना मैं उनको जानता हूँ। पिछले दिनों जो हमारे नेशनल स्टेडियम में मैच हो रहा था कराची किंग के हेड कोच अगर दुनिया में नहीं रहे, और जो पिछले दिनों वसीम अकरम से मेरी बात हो रही थी वही चीज जो हमने आपकी खबर ब्रेक की, अपने कोच को उन्होंने बहुत सराहा, उसके तमाम चीजें उसके नाम करने की कोशिश है, खेल के साथ करने की कोशिश की, बात की जाए कल वसीम ने भी बात की, बाबर ने भी बात की, आमिर ने भी बात की, और सर वसीम अकरम भी यही ख्वाहिश है अगर पाकिस्तान सुपर लीग पांचवा एडिशन खेल के उनके नाम करें तो बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को ही, जीत क्रिकेट ही हुई है कल, बहुत अच्छा नेशनल स्टेडियम कराची में जो मंजर था, पूरी दुनिया में जिसका इमेज गया पाकिस्तान सुपर लीग को जो सराहा गया, जो पाकिस्तान ने क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर जो हमारे खिलाड़ियों ने कारकर्दगी दिखाई है डॉक्टर बलन इकबाल साहब, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, अगर आमिर का आखिरी ओवर की बात की जाए, कराची किंग के अहमद वसीम का चौके की अगर बात की जाए, सुपर ओवर में मैच किया जाए बाबर आजम के 65 रन और सुहेल तनवीर की 3 विकेट और सुहेल तनवीर का वो आखिरी ओवर जिसने अगर देखा जाए 13 रन कराची किंग में बनाए हैं, तो ये तमाम चीजें खेल की खूबसूरती है। और जो मेरा पैनल बात कर रहा है कराची वर्सेस लाहौर के, लाहौर वर्सेस, पहले तो ये बताएं कि आज का जो मैच है मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डू एंड डाई शॉर्ट फॉरवर्ड की क्रिकेट, 120 बॉलों की क्रिकेट में पावर प्ले का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, टॉम जीतने के बाद अगर आपकी पहले बैटिंग आती है तो 6 ओवर में आप कैच स्टार्ट देते हैं, और जितना मेरे पैनल बात कर रहे हैं यही बहुत खूबसूरती है, मोहम्मद हफीज ने अगर लाहौर कलंदर को, और आपने जितना अपने इंटरव्यू में बताया वहाब रियाज की जो कारीगरी थी खुल के सामने आ गए, वहाब रियाज इतनी तो बस सीनियर बॉलिंग पे उस तरह की उनकी बॉलिंग नजर दी है जितना पिशावर से उनकी डिफेंस चली थी कप्तान में, उनकी स्विंग खत्म हो गई सीम के साथ और पेस खत्म हो गई, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है आप अपने दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन बैट्समैन। सर सोहेल तनवीर के बारे में क्या कहेंगे? कारीगर है वो, बहुत उरुष का कारीगर है, उसकी तो आप कोई राय हो ही सकती है, अगर देखा जाए सुहेल तनवीर जैसा बॉलर हाँ। और पाकिस्तान सुपर लीग अगर देखा जाए मुल्तान सुल्तान के पास ऑप्शन था, मगर उन्होंने सुहेल तनवीर को बॉलिंग कराने दिखाई, मगर कॉर्नर प्ले की अगर बात की है चौका छक्का वही मैच का बहुत ही खूबसूरती का छक्का जिसने मारा है और वही मैच को जिताने में कामयाब होगा। सुहेल तनवीर का सबको पता जो गेंद वो अंदर लाते हैं वो स्लो लाते हैं, वो स्लो अंदर ने क्या छक्का मार दिए शॉर्ट ऑफ लेंथ रखी इसने पॉइंट पे चौका मारा, ये तो साजिद भाई खेल के कारीगर हैं या वैसे कारीगर हैं ये बताए ना। ये नसीम डॉक्टर तो खेल के कारीगर है, बड़े कारीगर है, इसको तो कोई दो राय नहीं है, काम के बगैर तो मैच नहीं होता और मैच की खूबसूरती ये होती है कारीगर काम ना दिखाए तो मजा नहीं आता। आज डू एंड डाई टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉस जो पावर प्ले में होता है जितना पोस्ट के हवाले से बात की जा रही है, जो भी टीम टॉस जीतेगा तो मैं ही समझता हूँ पहले बॉलिंग करने को डर दीजिए कि सामने बैटिंग करने के साथ में जो सेकंड बैटिंग होगा उसको एडवांटेज हो जाता है और फील्डर को पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा और पोस्ट ज्यादा पोक कौन नजर आ रही है, टॉस जो भी जीतेगा पहले बैटिंग करने को डर दीजिएगा। कराची और साजिद भाई आप कौन सी टीम को फेवर कर रहे हैं, कौन जीतेगा क्या समझते हैं? देखिए ये बहुत अर्ली हो जाएगा डॉक्टर, मैंने तो पहले ही पेशेंगोई कर दी है, अरे अब 2 घंटे के मतलब मेरे ख्याल में हार्डली 8 बजे मैच स्टार्ट है, 6:46 इस वक्त हो रहे हैं, तो सर अर्ली क्या हो जाएगा एक वैसे प्रेडिक्शन अगर आपसे पूछना चाहूं तो? हाँ
हाँ बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ लाहौर बहुत अच्छा खेलेगी, मगर मोहम्मद हफीज को फ्रंट से करना पड़ा। शानजा आफरीदी को बड़ा अहम रोल खेल रहे, फकर कब जागेंगे, फकर कब लाहौर के लिए करेंगे, अब तक उस तरह की कारकर्दगी नहीं है जिस तरह की होना चाहिए थी। और मैं चलता हूँ हारिस प्रभु का, हारिस का भी बड़ा अच्छा रोल होगा, मगर शानजा आफरीदी के चार ओवर और मोहम्मद हफीज का रोल जिस तरह कल वो खेले थे, आज अगर इस तरह खेलते हैं तो लाहौर मैच जीत सकती है। मगर मुल्तान गिरने के बाद उठ के आई है, मुल्तान की जो मैनेजमेंट है, मुल्तान के खिलाड़ी है, कुछ करने आए और अली तरीन को मायूस नहीं करेंगे। अली तरीन का भी बड़ा अहम रोल है पाकिस्तान सुपर लीग और पांचवें एडिशन में, जो मुल्तान सुल्तान को जिन्होंने खड़ा किया। मुश्ताक की बेहतरीन कोचिंग, शायद आफरीदी अपने होम ग्राउंड में आखिरी मैच खेल रहे होंगे, अगर मुल्तान अगर हट जाती है, अगर जीत जाती है दूसरा मैच कराची टीम के साथ खेलेंगे, और शायद आफरीदी भी एक बड़े अच्छा रोल प्ले कर सकती है, दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। और आप देखेंगे कि आपकी ये प्रिडिक्शन जो है ये कहाँ तक दुरुस्त होती है। असद, ये मुझे बताइएगा कि टॉस जीतने के बाद जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले फील्डिंग करेगी? डेफिनेटली, क्योंकि सेकेंड इनिंग जो है वो मैटर करती है ऑस की वजह से, ड्यू की वजह से। और देखिए, अगर कोई इशू नहीं है, अगर ऑस और ड्यू जो है वो पड़ती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं और उनके पास टॉवेल्स यूज करना पड़ेगा, आपको बॉलिंग तो करनी है सेकंड इनिंग में, तो एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन ये है कि एडवांटेज मिल जाएगा पहली इनिंग का जो होता है, ड्यू की पहली इनिंग का एडवांटेज मिलेगा, यानी पहले जो भी टीम टॉस जीतेगी वो खिलाएगी, बैटिंग कराएगी अगली टीम को। जी ठीक है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि क्या समझते हैं कि क्या लाहौर की टीम अभी भी हफीज पे ही डिपेंड करके चल रही होगी या मजीद परफॉर्मेंस भी देखने में सामने आएगी? देखिए, मोहम्मद हफीज जो है जिस तरह वो कल खेले हैं, उनका अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा, क्योंकि बात करें, क्योंकि सब कहते हैं एज हो गई है, लेकिन वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो पहले से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी जो जब वो फ्लो में होते हैं तो बड़ा अच्छा खेलते हैं, और उनके शॉट्स और उनकी टाइमिंग जो है वो बढ़ जाती है। तो लेकिन जरूरी नहीं है कि मोहम्मद हफीज, तमीम इकबाल एक ऐसे प्लेयर हैं जो इस मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं, फॉरन प्लेयर हैं, लेकिन बात यह है कि तमीम इकबाल और फखर जमान अगर फ्लाइंग स्टार्ट देंगे पर से लाहौर का, तो लाहौर डेफिनेटली डोमिनेट करेगी। बैटिंग में डेप्थ नहीं है मुल्तान के पास। मुझे बताएं असद, के लीग्स को ये समझा जाता है कि ये दरअसल यंगस्टर्स को उभारने के लिए कराई जाती हैं, और टीम में हर सीजन में कोई दो तीन चार लड़के ऐसे निकल के आने चाहिए जो कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। हमारे यहाँ लीग्स में जो है वो सीनियर खिलाड़ी जो हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नजर आती है, और ज्यादा अच्छी नजर आती है। नए खिलाड़ी इस तरह, मतलब जिस तरह से उभर के सामने आना चाहिए उस तरह नहीं आते, क्या वजह है? देखिए, यंगस्टर जो है वो जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर होता है समटाइम, क्योंकि यंगस्टर जो है वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, इस वजह से भी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती। लेकिन सीनियर्स के पास एक्सपीरियंस होता है, वो अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हैं, और हमारे पास जो है जो हमारा डोमेस्टिक सर्किट है और जिस तरह से हमारे प्लेयर्स ऊपर आते हैं उसमें, जो अगर यंगस्टर्स की बात करें तो उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिला हुआ होता टेलीविजन पर मैच खेलने का, और इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से समटाइम वो परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस क्रिकेटर जो है वो उसको यूटिलाइज करते हैं, जिस तरह के हमारे जो है मोहम्मद हफीज हैं और भी कई प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंसेज बड़ी अच्छी रही हैं अब तक PSL में। लेकिन यंगस्टर्स ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लाहौर कलंदर के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है विनिंग में, क्योंकि उनकी टीम में तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जो उनके प्लेयर डेवलपमेंट के थ्रू आए हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, इमर्जिंग टैलेंट को ऊपर लेके आए। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है राबिल? कौन सी टीम की बात आप कर? वैसे कराची, लाहौर, मुल्तान, किसी में से भी बता दें। शाहिद अफरीदी। अच्छा, लाला को सिर्फ क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो कभी भी लैक नहीं करता, और ये एक इतने प्लेयर्स हैं, लेकिन आप हमेशा से सिर्फ लाला अफरीदी की बात करते हैं, बहुत मैटर करता है। अच्छा, और बाकी शोएब मलिक के बारे में क्या कहेंगी? कल तो सानिया मिर्जा भी मौजूद थी और बड़ा जबरदस्त जो है ना शोएब की जानिब से देखने में आई परफॉर्मेंस। शोएब मलिक जो है वो सीनियर प्लेयर हैं, और आई थिंक जिस तरह उनको रोल प्ले करना चाहिए वो हमेशा से यंगस्टर को ग्रूम करते हुए नजर आते हैं और प्लेयर्स को अपने साथ लेकर चलते हैं। उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा से ही हमारे, इवन फॉरन प्लेयर्स जो आते हैं वो भी यही बात करते हैं। अब कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था फफ डुप्लेसिस का, वो काफी एक्साइटेड थे, वो कह रहे थे कि हम शोएब मलिक के साथ खेलते हुए हमेशा से अच्छा लगता है और उनसे जो हम हमेशा सीखते हैं। तो शोएब मलिक इवन पाकिस्तान के लिए नहीं, तमाम इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं।
हाँ मतलब एक लोगों के लिए मोटिवेशन भी रहती है, प्लस इतने सालों से माशाल्लाह अपनी फॉर्म को, अपनी फिटनेस को, सब चीज़ों को बरकरार रखते हुए इस तरीके से खेलना, और फिर एक इंटरनेशनल मीडिया में तो उनकी जाहिर सी बात है, माशाल्लाह जो हमारी भाभी हैं वो भी एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो उसकी वजह से जो है ना काफ़ी वो रहता है। असद आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। राबिल क्या कहना चाहेंगी आज के मैच के लिए? मैं बोलूंगी बेस्ट ऑफ लक टू लाहौर। चलें जी ठीक है, देखते हैं जी, बेस्ट ऑफ लक टू लाहौर फ्रॉम माई साइड ऑल्सो। और ये जो मैच है आज का, ये डिसाइड करेगा कि कराची किंग्स जो पहले से फाइनल में पहुँच चुके हैं उनके साथ फाइनल आइदर मुल्तान सुल्तान्स खेलेंगे या लाहौर कलंदर्स खेलेंगे। क्या इस पांचवें साल लाहौर कलंदर का एक ऐसा ख्वाब पूरा होने जा रहा है जो कि पांच साल से नहीं पूरा हो पाया था, और लाहौर कलंदर जो है अब तक फाइनल में नहीं आ सके थे, या फिर अभी ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा? इसका फैसला आज हो जाएगा नाज़रीन। और अपने नेक्स्ट प्रोग्राम मंगल को शाम 6 बजे जब हाजिर होंगे तो हम उस वक्त फाइनल के मैच के डिस्कशन के हवाले से आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम पर पहुँचता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे बुलंद इकबाल को और मेरी साथी मेज़बान राबिल शेख जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।